नमस्कार, साहस समाचार टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा धीर। आइए रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की तरफ। पीएम मोदी कल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का करेंगे दौरा, देंगे योजनाओं की सौगात। पीएम मोदी 23 सितंबर को जाएंगे वाराणसी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की देंगे सौगात। कैबिनेट ने G20 समिट की सफलता के लिए पीएम मोदी को बधाई प्रस्ताव पास किया। ज्ञानवापी मामले में वकीलों की हड़ताल के चलते नहीं हो सकेगी सुनवाई। कर्नाटक में 195 तहसीलों को सूखाग्रस्त घोषित करने की सिफारिश। 17 सितंबर को सर्वदलीय बैठक बुला सकती है मोदी सरकार। श्रीलंका के राष्ट्रपति से बोली ममता बनर्जी, लोगों ने सपोर्ट किया तो सत्ता में आएंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की। कर्नाटक के कावेरी जल बंटवारे मुद्दे पर बेंगलुरु में सर्वदलीय बैठक। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों से मुठभेड़, सेना के 2 अधिकारी घायल। गोपाल बागले को बनाया ऑस्ट्रेलिया में भारत का नया उच्चायुक्त। सुप्रीम कोर्ट ने कानपुर से सपा विधायक इफ्रान सोलांकी की जमानत याचिका खारिज की। राजस्थान में ईडी की बड़ी कार्रवाई, 4 करोड़ रुपए से ज्यादा का सोना जब्त। 20 सितंबर को होगी आंध्र प्रदेश कैबिनेट की बैठक। अमृतसर में केजरीवाल के कार्यक्रम से पहले पुलिस ने बीजेपी नेताओं को किया गिरफ्तार। खबरों में फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें साहस समाचार टीवी के साथ। नमस्कार।